जाने अनजाने में जो फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं उससे आदिवासियों की मौत भी हो रही है। इस बात को लेकर आयोग काफी गंभीर है और आयोग आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है और जुटी हुई है। ये उक्त बातें राज्य अनुसूचित आयोग के सदस्य नितिन पोटई ने गरियाबंद में हुई चर्चा में कहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, आयोग के सदस्य नितिन पोटई और सचिव एस के ध्रुव दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सभी पक्षों की सुनवाई के उपरांत आगामी तारीख देते हुए सुनवाई के विषय पर साक्ष्य देने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर राजकुमारी दीवान ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग आदिवासी समाज की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत है, किसी के साथ अन्याय न हो यह देखना उनका प्रमुख दायित्व है। इस उद्देश्य को लेकर वे प्रदेश के हर जिले में पहुंचकर समस्याओं की जानकारी लेकर उनके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक है कि दोनों पक्ष का ही सुनवाई लिया गया है और उसमें बहुत सारे मामले जमीन का है, तो उसमें तहसीलदार को बुलाकर जमीन के मामले में निर्देशित किया गया है कि पूरी जानकारी दे करके, और हमारे समाज वाले बहुत सारे आवेदन भी लगाए हैं, उसमें भी निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आदिवासी समाज के लिए हमारे आयोग हित प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके हित में। देखिए, जहाँ जहाँ भी नस्ल समस्याएं हैं वहाँ वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की है कि वहाँ नक्सलियों और आदिवासियों में फ़र्क करना मुश्किल है, और शायद यही कारण है कि कई बार जो है जाने अनजाने में फर्जी मुठभेड़ भी हो रहे हैं और आदिवासियों की मौत हो रही है। इन मामलों को लेकर भी आयोग गंभीर है और ऐसे मामलों में आयोग की तरफ से पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। अभी आपने यह भी कहा कि आदिवासी काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी परेशान हैं, ये भी आपने कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना ही आदिवासियों को लेकर हुई है। लगभग 32% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की है और इसलिए समस्याएं भी इनकी सबसे ज़्यादा इन्हीं की है। जमीन का मामला हो, जल का मामला हो, जंगल का मामला हो, यदि यहाँ उद्योग लगते हैं, यदि यहाँ रेलवे लाइन आता है, यदि यहाँ बांध बनते हैं, यदि यहाँ राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग ही प्रभावित होता है और इन मामलों को लेकर भी आयोग गंभीर है। इस तरह के अनेक मामले आयोग में आ रहे हैं, जहाँ तक जमीन का मामला है, 170 खा का मामला है, आदिवासियों के जमीन में गैर वर्ग के लोग अनधिगृत के तरीके से काबिज हैं, ऐसे मामलों पर भी आयोग जो है पीड़ित पक्ष को और अनावेदक को बुला रहा है और अनेक मामलों में आयोग के तरफ से आदिवासियों के जमीन को वापसी करने का भी निर्णय हुआ है, अनुशंसा की गई है। आपके गठन के बाद कितने मामले पर आपने आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया है? देखिए, लगभग अभी तो वर्तमान समय में लगभग 2000 के आसपास ऐसे मामले हैं, बहुत सारे मामलों में निर्णय हुआ है। खास तौर से हम यदि आंकड़ों की बात करें तो कुछ मामले आपका कोरबा जिले का है, कुछ मामला कांकेर जिले का है। कांकेर जिले में ही हमने एक आदिवासी की जमीन